हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे कैलेंडर। इसकी हम लोग आज बेसिक और प्लस ट्रिक दोनों चीज़ सीखेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और कैसे पेपर में पूछा जाता है। आइए देखते हैं, सबसे पहला जो टाइप है हमारा उसमें क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। जो पहला टाइप है वो बोल रहा है कि सेम मंथ और सेम ईयर। अब मैंने यहाँ पर पहला टाइप क्या लिखा है, सेम मंथ और सेम ईयर। अब देखिए, सेम मंथ और सेम ईयर का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सेम मंथ भी पूछा हो सकता है और सेम ईयर दोनों मिक्स में ही पूछा जा सकता है। ये देखते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है, 2 मई 2018 को फ्राइडे था, तो 18 मई 2018 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो ये SSC और रेलवे के सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, देखिए मंथ भी सेम है और ईयर भी सेम है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिस चीज़ का पूछ रहा हो, जौन से मंथ का डेट पूछ रहा हो, उस डेट से जो डेट दे रखी हो क्वेश्चन में उसको माइनस कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 18 दिया है, 18 से अगर हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। इस 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 2 जाए कितना होता है, 14। 14 के बाद जितना भी हमारा रिमाइंडर बच जाता है उस रिमाइंडर को लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, 7 2 या 14 होता है और यहाँ पे हमारा 2 रिमाइंडर बचा है, तो 2 जो होगा वो हमारे एक्स्ट्रा दिन होंगे, तो एक्स्ट्रा डेज को हम लोग लिख लेते हैं। उस एक्स्ट्रा डेज का काम क्या होता है, आइए देखते हैं। ये हमारा यहाँ पे देखिए 7 2 या 14 और हमारा कितना बचा, 2 डेज एक्स्ट्रा बचा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, 2 मई 2018 को फ्राइडे था, तो 2 मई 2018 को फ्राइडे और प्लस 2 अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि 18 मई 2018 को कौन सा दिन था। तो फ्राइडे प्लस 2 दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, संडे। तो संडे हमारा आंसर हो जाए। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 फरवरी 1997 को थर्सडे था, तो 26 फरवरी 1997 को कौन सा दिन होगा। देखिए मैंने क्या बताया, जो भी डेट पूछ रखा हो उसमें से जो डेट दे रखी है उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ 26 में 6 माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया। इस 20 को 7 से डिवाइड कर दिया था, 7 से ही डिवाइड क्यों किया था, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं। 7 से मैंने डिवाइड किया तो 7 का जब मैंने टेबल पढ़ा तो 7 2 14, उसमें 6 डेज जो है रिमाइंडर बच जाएगा, उसी 6 दिन को एक्स्ट्रा लिख दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 6 फरवरी 1997 क्या था, थर्सडे, उसी में जो एक्स्ट्रा दिन होता है उसी को ऐड कर दिया जाता है, तो थर्सडे में 6 दिन ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। तो ये तो था हमारा टाइप 1 जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा था सेम मंथ और सेम ईयर का। अब देखते हैं टाइप 2, ये रहा हमारा टाइप 2। टाइप 2 में क्या पूछ रहा है, बोल रहा है डिफरेंट मंथ और सेम ईयर, मतलब कि मंथ जो होगा वो डिफरेंट होगा और ईयर सेम होगा। जैसे कि क्वेश्चन में हम लोग को दिख रहा है कि देखिए 31 मार्च 2002 को संडे था, तो 10 अगस्त 2002 को कौन सा दिन होगा। देखिए मंथ जो है डिफरेंट है बट ईयर जो है वो सेम है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग कैसी ट्रिक लगाते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए मार्च से अगस्त तक हम लोग ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं डिफरेंट मंथ और सेम ईयर वाले में क्या करते हैं, जो हमारे मंथ होते हैं उस मंथ को जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर जहाँ से खत्म होता है वहाँ तक लिख लिया जाता है। जैसे देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देखिए सब पूरा मैंने अगस्त तक लिख लिया है क्योंकि अगस्त तक पूछा था गया था। अब देखिए 31 में से अगर हम लोग कितने डेज होते हैं, 31 की मार्च में 31 डेज ही होते हैं, 31 में से अगर 31 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा दिन बचेगा ही नहीं। अब अप्रैल जो होती है 30 डेज की होती है, उसमें से हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 28, 2 दिन हमारा जो है वो एक्स्ट्रा बचेगा, तो 2 डेज को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। मई में 31 होगा तो देखिए 30 में 2 बचेगा और 31 में 3 डेज, तो हमेशा याद रखेंगे जब भी 30 डेज बचेंगे जिसमें भी उसमें 2 दिन ही एक्स्ट्रा बचेंगे और 31 में हमारे 3 डेज हमारे एक्स्ट्रा बचेंगे। तो देखिए जून में 30 होता तो 2 डेज एक्स्ट्रा, जुलाई में 31 होता तो 3 डेज एक्स्ट्रा। अब देखिए अगस्त में जितना पूछा जाता है वहाँ पे अगस्त में देखेंगे नहीं कि 31 की होती है 31 से 7 से डिवाइड करते, नहीं, जितना पूछा 10 अगस्त 2002 की बात कर रहा है तो यहाँ पे 10 अगस्त ही लिखेंगे, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड 7 1 7, हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, तो यहाँ पे 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। अब देखिए 0 2 3 2 3 3 सबको ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे हमारा कितने डेज निकल के आए, 13 डेज। 13 डेज को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 7, 6 डेज जो होंगे वो एक्स्ट्रा बचेंगे, उस एक्स्ट्रा डेज को जो क्वेश्चन में गिवेन होता है उसी में ऐड कर दिया जाता है। 31 मार्च 2002 को संडे था, उसी में जो हमारे एक्स्ट्रा दिन निकले 6 डेज निकले उसको हमने ऐड कर दिया, जब हम लोग संडे में 6 डेज को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सैटरडे। सैटरडे ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमारा एक क्वेश्चन में
पूछा क्या जाता है। देखिए 5 जनवरी 2002 को थर्सडे था, तो 8 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, जनवरी में देखिए 5 डेज तो हमारे निकल गए, तो 31 की होती है जनवरी, उसमें से 5 डेज को निकाल दीजिए तो कितना बचा 26। अब जो 26 बचा उसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करिए तो 26 को 7 से डिवाइड करेंगे कितने दिन बचेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिन हमारे एक्स्ट्रा बचेंगे। तो देखिए 7 3 21 होता है, तो 21 में 5 डेज हमारे एक्स्ट्रा बचेंगे। इस तरीके फरवरी जो होती 29 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो ईयर होता है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 2012 को 4 से डिवाइड किया, अगर वैल्यू पूरी कट जाए तो वो हमारा लीप ईयर होगा और उसमें 29 दिन की फरवरी होगी, और जो हमारे वैल्यू में कोई भी अगर हमारा रिमाइंडर बच जाता है तो वो हमारा नॉन लीप ईयर होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 जो था पूरा का पूरा कट गया, तो यहाँ पे 29 की फरवरी हो गई, तो 29 में अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 28 1 बचेगा एक्स्ट्रा। तो याद रखिए कि जब भी लीप ईयर में होगा, यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ, लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा, नॉन लीप ईयर में 0 दिन एक्स्ट्रा। तो देखिए लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा निकलेगा और नॉन लीप ईयर में 0 दिन। तो देखिए यहाँ पे फरवरी में 29 था इसलिए 1 दिन एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो मार्च में 31 था, 31 के लिए मैंने देखिए अभी पीछे बताया 31 जब भी आएगा तो उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, और 30 जब आएगा तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। तो देखिए यहाँ पे 31 लिखा तो यहाँ पे 3 डेज एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब अप्रैल में 30 नहीं लिखेंगे, अप्रैल में जितना पूछा जा सकता उतने में से 7 को डिवाइड करेंगे, तो 8 अप्रैल 2012 दे रखा है, तो 8 में से 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 7 1 7 1 हमारा क्या बचा, 1 जो होता है रिमाइंडर बचा। अब देखिए सबको ऐड कर देंगे, 5 1 3 1 इन सबको ऐड करेंगे, तो देखिए 5 1 3 1 सबको ऐड करा 10 हुआ। अब जो भी हमारा फाइनल आंसर आता है उसमें हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो वही हमारे जो एक्स्ट्रा नंबर आ जाते हैं उसी को हम लोग जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसी में ऐड कर देते हैं। तो 10 बचा, 10 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 कितना बचेगा, 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, तो 3 दिन एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, 5 जनवरी 2012 को थर्सडे था, उसी में 3 दिन एक्स्ट्रा निकले तो 3 दिन को ऐड कर देंगे, थर्सडे में 3 दिन एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, संडे हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था हमारा टाइप 2। हम अन्य लोगों ने टाइप फर्स्ट पढ़ लिया, टाइप सेकंड पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप थर्ड। देखिए टाइप थर्ड क्या कह रहा है, ये रहा हमारा टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या कहना चाह रहा है कि सेम मंथ डिफरेंट ईयर, अभी पीछे क्या पढ़ा था डिफरेंट मंथ सेम ईयर, अब देखिए मंथ तो सेम होंगे लेकिन ईयर जो होगा वो डिफरेंट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या ट्रिक लगाते हैं वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को एक बार कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को ही आप लोग हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 20 जनवरी 2014 को मंडे था, तो 20 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देखिए वन ईयर में 365 डेज होते हैं तो वो नॉन लीप ईयर होता है, लेकिन जैसे 366 डेज हो जाएंगे वन ईयर में तो वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर का मतलब 29 की फरवरी हो जाएगी। तो देखिए नॉन लीप ईयर में 365 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 डेज जो है वो एक्स्ट्रा बचेंगे, लेकिन लीप ईयर में 360 है तो यहाँ पे 2 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर नॉन लीप ईयर में कोई भी दिन हो रहा है, कोई भी अगर नॉन लीप ईयर है तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, और लीप ईयर होगा तो उसमें 2 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ, उस नोट को पढ़िए क्या लिखा हुआ, जो ईयर में फरवरी आएगी वहाँ पर एक्स्ट्रा दिन 1 या 2 काउंट करेंगे। मतलब कि अगर फरवरी आएगी, मतलब कि अगर मार्च से स्टार्ट होता है वो मंथ, वो ईयर मार्च से स्टार्ट होकर क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हम लोग वहाँ पर फरवरी जो होगी वहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए अगर फरवरी जनवरी से स्टार्ट हो रही, मतलब कि जनवरी से कोई चीज़ मंथ मतलब ईयर स्टार्ट हो रहा है और वो क्वेश्चन में पूछ रहा है जनवरी से ही, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा दिन में हम लोग 1 या 2 काउंट करेंगे। अगर फरवरी नहीं आएगी, जैसे मार्च से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे 0 लिखेंगे। अब देखिए ये जो मैंने लाइन लिखी है ये पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो अच्छी तरीके समझ में आएगी। देखिए कैसे, अब क्वेश्चन जो हमारा क्या पूछ रहा था, बोल रहा था 20 जनवरी 2014 को मंडे था, तो 20 जनवरी 2017 को कौन सा दिन हो गया, तो 2014-17 तक पहले ईयर हम लोग काउंट कर लेंगे, तो 2014-15-16-17 लिख लिया। अब देखिए 2014 था, हमने 4 से डिवाइड करके देखा तो यहाँ पे 2 डेज हमारे एक्स्ट्रा बच जाएंगे, तो मतलब कि ये जो हमारी होगी लीप ईयर तो होगा नहीं, तो नॉन लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा, 2015 भी नॉन लीप ईयर 1 दिन एक्स्ट्रा, ये देखिए 2016 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो लीप ईयर में हम लोग 2 डेज एक्स्ट्रा लिखते हैं। अब 2017 मैंने 0 क्यों लिखा, देखिए मैंने अभी क्या बताया, ये जो लाइन बताई थी कि अगर फरवरी नहीं आएगी तो 0 लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2017 मैंने 0 लिखा, क्यों लिखा, अब देखिए
यहाँ पे 20 जनवरी 2017 तक का ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जनवरी के बाद ही तो फरवरी आती है। जब जनवरी का ही क्वेश्चन पूछ लिया तो फरवरी तो आ ही नहीं रही 2017 में, तो यहाँ पे हम लोग ने जीरो लिख लिया इसीलिए। तो देखिए 2014 में एक, 2015 में एक एक दिन एक्स्ट्रा, 2016 में लीप ईयर था तो दो दिन एक्स्ट्रा, और 2017 में जनवरी से पूछ रहा था इसलिए जीरो दिन एक्स्ट्रा, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा नंबर कितना आया, 4 दिन एक्स्ट्रा आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, 20 जनवरी 2014 को मंडे था, तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, 20 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 20 जनवरी 2014 को मंडे था, तो प्लस 4 इसी में ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। तो 20 जनवरी 2017 को फ्राइडे था। अब ये था हमारा टाइप 3। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4। अब टाइप 4 क्या कहता है, ये देखिए टाइप 4, ये रहा हमारा टाइप 4। टाइप 4 में क्या कह रहा है, डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर, मतलब ईयर भी डिफरेंट होगा मंथ भी डिफरेंट होगा। जब दोनों डिफरेंट हो जाएंगे तो हम लोग मंथ को भी काउंट करना पड़ेगा और ईयर को भी काउंट करना पड़ेगा। अब यह वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, 15 अगस्त 1988 को मंडे था, तो 10 दिसंबर 1994 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले देखिए ईयर से ईयर को हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1988 से 1994 तक जा रहे हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94 तक सब लिख लिया। अब देखिए इसमें से 4 से डिवाइड कर करके देख लेते कौन सा लीप ईयर है, तो मुझे ये पता चला कि 1992 जो लीप ईयर होगा। अब देखिए लीप ईयर ये भी होगा, लेकिन मैंने क्या बताया, फरवरी आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, 15 अगस्त 1988, तो 15 अगस्त की बात है, फरवरी जब आई नहीं रही तो यहाँ पे जीरो लिख दीजिए, जीरो दिन एक्स्ट्रा। 1989 में नॉन लीप ईयर, 1 दिन एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे देखिए 90 में 1 दिन, 1991 में 1 दिन, 1992 में लीप ईयर था तो 2 डेज हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, अब एक्स्ट्रा हो गया। अब सबको काउंट कर लेंगे, यहाँ पे 0, 1 सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 7। अब जो टोटल होता है उसको 7 से डिवाइड कर दिया था, 7 से डिवाइड कर यहाँ पे कितना है, 0 दिन, कुछ बचा ही नहीं। अब देखिए हम लोग ने ईयर तो काउंट कर लिया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर की बात है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मंथ होगा उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। देखिए किसकी बात कर रहा, 15 अगस्त 1988 की बात कर रहा, तो देखिए अगस्त में 15 तो हम लोग खत्म ही हो गया, तो 31 का अगस्त होता है, तो 31 में से 15 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16/7। अब इस 7 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, 7 × 14 तो हमारे कितने दिन बचेंगे एक्स्ट्रा, 2 डेज बचेंगे। सेप्टेम्बर 30 में मैंने बताया था 2 दिन बचते हैं, और 31 में 3 डेज बचते हैं, तो यहाँ पे 30 में 2 डेज, 31 में 3 डेज, 30 में 2 डेज। और देखिए दिसंबर में कितना पूछ रहा है, दिसंबर में पूछ रहा है 10 दिसंबर, जब 10 दिसंबर की बात कर रहा, तो 10 से मैंने क्या बताया था कि जो भी लास्ट में क्वेश्चन पूछता है उसी से डिवाइड किया था 7 से, और जो शुरू में क्वेश्चन पूछता है उसमें से माइनस कर दिया था टोटल, मतलब जो भी जितने की भी वो वाली 31 की अगस्त होती है तो अगस्त से 15 को माइनस कर दिया। इस तरीके दिसंबर में 10 पूछा तो 10 से डिवाइड किया जाएगा 7 को, 7 × 7 तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 दिन एक्स्ट्रा, तो टोटल जब सबको करेंगे इन सबको तो कितना हो जाएगा, 12 तो टोटल हो गया, 7 से डिवाइड किया तो कितना बचा, यहाँ पे हमारे 5 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 0 तो 5 होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, 15 अगस्त 1988 को मंडे था, तो किसका बात कर रहा था, 10 दिसंबर 1994 कौन दिन होगा। तो देखिए 15 अगस्त 1988 को क्या था, मंडे। अब इसी में ये जो 5 दिन और 5 और + 0 को जो ऐड करेंगे तो प्लस का 5, हमारे पास क्या आ जाएगा, सैटरडे आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी ये 4 टाइप के क्वेश्चन बताए अच्छी तरीके से बताए हैं, आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें और अच्छी तरीके से क्वेश्चन और अच्छे अच्छे आएंगे, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थैंक यू सो मच।